कैप्टन ना होने का अली राहुल, अर्शी सुनाली और एजाज ने उठाया फायदा, दिन में भी सोते आए नजर। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में बुधवार देर रात सोनाली और रुबीना के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई थी। हंगामा इतना जोरदार था कि घर के सभी सदस्य झगड़े में खुद को शामिल होने से नहीं रोक पाए और देर रात तक ये हंगामा चलता रहा। हंगामा शांत होने के बावजूद घर के कई सदस्य गार्डन एरिया में बैठकर हंसी ठिठोली करते नजर आए। हालांकि इस दौरान ये झगड़े के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका अपना अलग ही मजाक चल रहा था। और देर रात करीब 3 बजे तक घर के सदस्य जागते रहे और अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह बिग बॉस के घर में वेकअप अलार्म बजने के बावजूद अली, राहुल, अर्शी, सोनाली और एजाज करीब दोपहर 12 बजे तक बिस्तर में ही दिखाई दिए और इस दौरान ये सो ही रहे थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि घर के सदस्य कैप्टन ना होने का फायदा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राखी की कैप्टेंसी की मियाद खत्म हो गई है और कैप्टेंसी रूम के दरवाजे के बाहर किसी की भी तस्वीर नहीं लगी है। मतलब साफ है कि इस समय घर में कोई भी कैप्टन नहीं है। आपको ये भी बता दें कि कैप्टेंसी के लिए लगातार हुआ 2 टास्क रद्द हो चुका है। वहीं रुबीना निकी से ये कहती नजर आई कि रात में इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन लोगों ने किया है कि अभी इनकी आँख ही नहीं खुल रही है। घर में कैप्टन ना होने पर किसी सदस्य के सोने की वजह से कुकड़ू कू वाला अलार्म नहीं बजता। ऐसे में घर के सदस्य की खुद की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वर्किंग पीरियड में सोते हुए ना दिखाई दें। अब ऐसे में देखना ये होगा कि वर्किंग पीरियड में सोने वाले इन 5 सदस्यों को बिग बॉस की तरफ से या फिर वीकेंड का वार पर शो के होस्ट सलमान खान की तरफ से फटकार मिलती है या नहीं। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।